हेलो फ्रेंड्स, साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ एक ही मूवी में, और वो भी कोई छोटे स्टार्स नहीं बल्कि सुपर स्टार्स, मेगा स्टार्स, पैन इंडिया स्टार्स। जी हाँ फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं एक बड़ी मूवी की जिसकी कल के दिन पर काफी ज्यादा रूमर्स थे और बहुत से क्रिटिक्स ने इसको लेकर कंफर्म भी किया कि बात चल रही है इस मूवी को बड़े पर्दे पर लाने की, और इसमें एक होंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, जबकि दूसरे होंगे पैन इंडिया स्टार, यंग रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास। लेकिन क्या ये मूवी यशराज फिल्म की वार 2 मूवी होगी या इसका नया ही टाइटल होगा, और इसे डायरेक्शन कौन दे रहा है, और कब रिलीज की जाएगी, और क्या कंफर्म हो चुका है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए अगर आप भी फैन हैं ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के या के प्रभास के। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपको बता दें कि इस मूवी को लेकर कंफर्म ये किया जा रहा है कि यंग रेबल स्टार प्रभास और ऋतिक रोशन ये दोनों एक साथ मूवी में देखे जाएंगे। इन दोनों को लेकर एक मूवी बनाई जाएगी जिसको डायरेक्शन दे रहे हैं वही डायरेक्टर जो पहले 2 बार काम कर चुके हैं ऋतिक रोशन के साथ, यानी के सिद्धार्थ आनंद, और वो 3री बार काम कर रहे हैं फाइटर मूवी में, और 4थी बार वो काम करेंगे इस डबल स्टार मूवी में। सबसे पहले उन्होंने मूवी दी थी बैंग बैंग ऋतिक रोशन के साथ, उसके बाद उन्होंने वार मूवी रिलीज की 2019 में, और उसके बाद 2022 में फाइटर मूवी आ रही है, और कहा जा रहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन के साथ 4थी बार भी मूवी करेंगे, और इस बार उनके साथ कास्ट किया जाएगा यंग रेबल स्टार प्रभास को, जो उनके कैरियर की 24 नंबर की मूवी होगी, यानी के आदि पुरुष, सलार और राधे श्याम के बाद, और नाग अश्विन की मूवी के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे यंग रेबल स्टार प्रभास ऋतिक रोशन के साथ। जैनर की बात की जाए तो ये मूवी एक एक्शन ड्रामा जैनर की मूवी रहेगी, हाई ऑक्टेन एक्शन दिखाया जाएगा, और दोनों स्टार में से किसी एक का भी नेगेटिव रोल नहीं होगा, और इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में, जबकि बजट के तबार से एक काफी बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट रखा गया है। करोड़ों रुपए इसकी प्रोडक्शन पर खर्च किए जाएंगे और एक्शन धड़ल्ले का दिखाया जाएगा इस मूवी में। लेकिन क्या ये मूवी वार 2 होगी, क्योंकि वार 2 भी बननी है जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके डायरेक्टर ने खुद ही की थी कि वार 2 पर भी काम किया जाएगा, और ये भी कहा गया था कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, एक नई स्टोरी के साथ आपको वार 2 देखने को मिलेगी, और ये भी कहा जा रहा था कि जॉन अब्राहम को कास्ट किया जा सकता है इस मूवी में। तो वार 2 एक अलग मूवी रहेगी, और कहा जा रहा है कि प्रभास और ऋतिक रोशन की ये मूवी एक अलग टाइटल की मूवी होगी और एक अलग ही बैनर इस पर पैसा खर्च करेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है, और जिस तरह रूमर्स हैं कि बहुत जल्द इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट भी दी जाने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ा दिन रहेगा ऋतिक रोशन और प्रभास के फैंस के लिए कि 2 बड़े स्टार्स जिनका स्टारडम और जिनका बज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और उनके करोड़ों फैंस हैं, तो डेफिनेटली ये मूवी एक बड़ा तहलका मचा देगी। साउथ में प्रभास की पॉपुलैरिटी देखने के काबिल है और नॉर्थ में ऋतिक रोशन सर की। तो आपको कितना इंतजार है, और क्या आप चाहते हैं कि ऋतिक रोशन और प्रभास एक साथ काम करें, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और क्या इस मूवी को वार मूवी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि वार 2 होना चाहिए या अलग से कोई मूवी होनी चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जो ही इससे रिलेटेड ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी दी जाती है तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी। सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।